दोस्तों अगर हम आज इंडियन स्मार्टफोन मार्केट में देखें तो आप देख सकते हैं कि ये जो चाइनीज कंपनियां हैं ये पूरी तरह से डोमिनेट करती हैं। अगर हम 2019 में ओवरऑल सेल्स की फिगर देखें तो हम देख सकते हैं कि जो पिछले साल 72% फोन बिके थे ये सिर्फ 5 कंपनियों ने बेचे थे, जिसमें शाओमी, ओप्पो, वीवो, रियलमी और वन प्लस शामिल थे। तो ऐसे में आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इनकी जो पकड़ है इंडियन स्मार्टफोन मार्केट पे ये कितनी गहरी है। और दोस्तों क्या आपको पता है कि ये जो कंपनियां हैं इनका ओनर कौन है, मतलब इन कंपनियों का मालिक कौन है? दोस्तों आपको ये जानकर बहुत ज्यादा हैरानी होगी कि ये जो कंपनियां हैं वीवो, ओप्पो, रियलमी, वन प्लस और IQOO, इन कंपनियों का, पांचों कंपनियों का एक ही मालिक है और वो कंपनी है BBK इलेक्ट्रॉनिक्स। हो गए ना हैरान, इन पांचों कंपनियों का एक ही मालिक है, वो है BBK इलेक्ट्रॉनिक्स। पर दोस्तों बहुत ज्यादा लोगों के मन में ये सवाल तो होगा कि ये BBK इलेक्ट्रॉनिक्स ने ये पांच ब्रांड इतने बड़े ब्रांड कैसे बना लिए और इनको ये पांचों ब्रांड बनाने की क्यों जरूरत पड़ी। तो देखिए दोस्तों आगे के वीडियो में हम यही डिस्कस करेंगे। तो चलिए आगे हम वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों अगर हम आज इंडियन स्मार्टफोन मार्केट में नजर डालें तो हम इस पाई चार्ट में देख सकते हैं कि जो Xiaomi का मार्केट शेयर है वो है 29%, Vivo का मार्केट शेयर है 18.8%, Samsung का 15.5%, Oppo का 13%, Realme का 12.8% और जो बाकी बच जाते हैं उनके पास है 10.9% मार्केट शेयर। तो हम देख सकते हैं ये जो तीन ब्रांड है Vivo, Oppo और Realme, इन तीनों के पास 44.6% मार्केट शेयर आ जाता है और ये मार्केट शेयर Xiaomi और Samsung के कंबाइंड दोनों से ज़्यादा है। तो दोस्तों इसे देखते हुए हम कह सकते हैं कि इस समय जो इंडिया का नंबर वन स्मार्टफोन मेकर है या नंबर वन स्मार्टफोन ब्रांड है वो है BBK इलेक्ट्रॉनिक्स। और दोस्तों ये जो 44% का मार्केट शेयर है Vivo, Oppo और Realme का, इसमें अभी हमने वन प्लस और IQOO के स्मार्टफोन्स को तो ऐड ही नहीं किया, तो अगर हम उसको ऐड कर दें तो इनका मार्केट शेयर और भी ज़्यादा बढ़ जाएगा। पर दोस्तों अब हम जानेंगे कि ये BBK इलेक्ट्रॉनिक्स ने इतने सारे ब्रांड्स बनाए कैसे। तो दोस्तों कहानी ये है कि ये जो BBK इलेक्ट्रॉनिक्स है इन्होंने अपना पहला स्मार्टफोन ब्रांड लॉन्च किया था Vivo 2004 में, वो भी चाइना में, और इसके तकरीबन 5 साल बाद इन्होंने अपना एक और नया ब्रांड लॉन्च किया Oppo, वो भी चाइना में लॉन्च किया था, और इसके इन दोनों ब्रांड्स के साथ इन्होंने चाइना मार्केट में बहुत ज़्यादा अपनी सक्सेस हासिल की थी। और चाइना में सक्सेसफुल होने के बाद BBK इलेक्ट्रॉनिक्स ने डिसाइड किया क्यों ना हम अब ग्लोबल हो जाएं, क्यों ना हम अब दूसरे किसी देशों में जाकर अपने स्मार्टफोन बेचने लग जाएं। तब 2014 में इन्होंने अपने जो Vivo और Oppo के स्मार्टफोन्स थे उन्होंने इनकी एंट्री कराई इंडियन स्मार्टफोन मार्केट में। दोस्तों अगर आपको याद हो जब Vivo और Oppo ने एंट्री की थी तो पूरी तरह से धमाकेदार एंट्री की थी। हम जहाँ भी बाजार जाते थे, जहाँ भी देखते थे, अगर लेफ्ट को देखते थे Oppo का बोर्ड लगा होता था, राइट को देखते थे तो Vivo का बोर्ड लगा होता था। तो ऐसे में इन्होंने इतना ज़्यादा पैसा बहाया था एड्स पे कि ताकि लोगों को पता लग जाए कि हाँ भाई कोई ये Vivo और Oppo भी ब्रांड हैं और इसमें भी ये बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल भी हुए थे। दोस्तों ये जो BBK इलेक्ट्रॉनिक्स थी इन्होंने अपना सारा ध्यान ऑफलाइन मार्केट पे रखा था कि हम कैसे अपने फ़ोन ऑफलाइन मार्केट में बेच सकते हैं, तो इसलिए इन्होंने इतनी ज़्यादा एड्स लगाई थी और इस तरह से ये ऑफलाइन मार्केट में सक्सेसफुल हो पाए। पर दोस्तों इतना ज़्यादा पैसा लगाने के बावजूद भी ये जो Oppo और Vivo के प्रीमियम स्मार्टफोन थे ये नहीं बेच पा रहे थे। और तब इन्होंने सोचा कि क्यों ना हम एक और नया ब्रांड ले आएं जहाँ पर हम अपने एड्स पे पैसे बचाएंगे और उसको हम ऑनलाइन बेचेंगे या स्पेशल स्टोर में बेचेंगे और इस तरह उस जो प्रीमियम स्मार्टफोन होगा उसकी कीमत कम कर देंगे। तो ऐसे करके ये जो BBK इलेक्ट्रॉनिक्स वाले थे इन्होंने अपना वन प्लस ब्रांड बनाया जहां पर इन्होंने डिसाइड किया कि हम ये जो मिड रेंज में प्रीमियम स्मार्टफोन मार्केट है इस पे हम कब्जा करेंगे और ये बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल भी हुए अपने इस काम करके। दोस्तों अब तक ये जो BBK इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी थी इन्होंने अपने सिर्फ 3 ही ब्रांड लॉन्च किए थे Vivo, Oppo और वन प्लस इंडिया में। पर तकरीबन 2016 से इनको बहुत ज़्यादा कंपटीशन आने लग गया Xiaomi की तरफ से। अगर आपको याद हो कि 2016 में ये जो कंपनी थी Xiaomi इन्होंने अपना एक सब ब्रांड लॉन्च किया था Redmi। BBK इलेक्ट्रॉनिक्स की तरह Xiaomi के भी 3 ब्रांड्स हैं, एक है Redmi, एक है MI और एक है Poco। दोस्तों जैसे ये Xiaomi वाले कर रहे थे कि ये जो अपना Redmi फ़ोन था ये इसको सिर्फ ऑनलाइन बेच रहे थे, तो दोस्तों लो बजट मार्केट में अपने फ़ोन को बनाए रखने के लिए ये BBK इलेक्ट्रॉनिक्स ने अपना एक और नया ब्रांड लॉन्च किया जिसका नाम रखा Realme। तो ये जो Realme ब्रांड था ये सीधा एक तरह से कंपटीशन दे रहा था ये जो Redmi ब्रांड था Xiaomi का। और दोस्तों अगर हम आज की बात करें तो Realme का मार्केट शेयर है 12.8% इन इंडियन स्मार्टफोन मार्केट, तो आप सोच सकते हैं ये कितनी बढ़िया सक्सेस रही है BBK इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए। तो ऐसा करके ये जो BBK इलेक्ट्रॉनिक्स थी इन्होंने अपने 4 ब्रांड बना लिए Vivo, Oppo, Realme और OnePlus। पर इनका ना अभी भी दिल नहीं भर रहा था तो इन्होंने एक और ब्रांड लिया है अपना IQOO। और दोस्तों ये जो अपना IQOO कंपनी का ब्रांड लेकर आए हैं इनका सीधा मोटिव यही है कि ये जो इंडिया का 5G मार्केट शेयर है
जो 5G स्मार्टफोन बिकेंगे इसमें ये सबसे पहले आना चाहते थे, अपनी सबसे अलग पहचान बनाना चाहते थे 5G फोन्स में। तो इसलिए बीबीके इलेक्ट्रॉनिक्स ने अपने 5G फोन्स के लिए एक नया ब्रांड बना दिया IQOO। तो ऐसे में आप देख सकते हैं कि ये कैसे बीबीके इलेक्ट्रॉनिक्स वाले इंडियन स्मार्टफोन मार्केट में अपना दबदबा कायम कर रहे हैं। दोस्तों आपने एक और चीज़ नोटिस की होगी कि ये जो ओप्पो और वीवो के जो प्रीमियम फ़ोन होते हैं ये वन प्लस के मुकाबले थोड़े से ज़्यादा महंगे होते हैं। ऐसा क्यों है? क्योंकि ये जो ओप्पो और वीवो वाले हैं ये ऑफलाइन एडवर्टाइजमेंट में बहुत ज़्यादा पैसा खर्च करते हैं, क्योंकि दोस्तों इनको अपने पैसे भी पूरे करने होते हैं, इसलिए ये थोड़े से ज़्यादा महंगे फ़ोन बेचते हैं। तो दोस्तों आपने देखा कि ये जो बीबीके इलेक्ट्रॉनिक्स थी इसने कैसे अपने 5 ब्रांड बना लिए। सबसे पहले इन्होंने बनाया वीवो, फिर ओप्पो, फिर वन प्लस, फिर रियलमी और बाद में IQOO। दोस्तों मैं आशा करता हूं कि आज के इस वीडियो से आपने कुछ नया सीखा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक करें और नीचे सब्सक्राइब बटन ज़रूर दबाएं और बेल आइकन को भी ज़रूर दबा लें ताकि आपको नए से नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए।